आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा। हमारी सेनाएं BSF, ITBP, CISF, हर सुरक्षा बल, हमारे पुलिस के जवान, हर किसी को मैं आज दीपावली के इस पावन पर्व पर आदरपूर्वक नमन करता हूं। मुझे याद है, प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार 2014 में दीपावली के पर्व पर मैं सियाचिन चला गया था जवानों के साथ दिवाली मनाने के लिए, तो बहुत लोगों को थोड़ा आश्चर्य हुआ, त्योहार के दिन ये क्या प्रधानमंत्री कर रहा है। लेकिन अब तो आप भी मेरे भाव जानते हैं, अगर दिवाली के पर्व पर अपनों के बीच ही तो जाऊंगा, अपनों से दूर कहां रहूंगा। और इसलिए आज भी दीपावली के पर्व आपके बीच में आया हूं। जब सैन्य पराक्रम की चर्चा होगी तो बैटल ऑफ लोंगेवाला को जरूर याद किया जाएगा। ये वो समय था जब पाकिस्तान की सेना बांग्लादेश के निर्दोष नागरिकों पर अत्याचार कर रही थी, जुल्म कर रही थी, नरसंहार कर रही थी, बहन बेटियों पर अमानवीय जुल्म हो रहे थे और पाकिस्तान की सेना के लोग कर रहे थे। इन हरकतों से पाकिस्तान का घृणित चेहरा उजागर हो रहा था, भयंकर रूप दुनिया के सामने पाकिस्तान का प्रकट हो रहा था। इन सबसे दुनिया का ध्यान हटाने के लिए पाकिस्तान ने हमारे देश की पश्चिमी सीमाओं पर मोर्चा खोल दिया। पाकिस्तान को लगता था कि भारत की पश्चिम सीमा पर मोर्चा खोल दूंगा, दुनिया में भारत ने ये कर दिया, भारत ने वो कर दिया करके रोता रहूंगा और बांग्लादेश के सारे पाप उनके छिप जाएंगे। लेकिन हमारे सैनिकों ने जो मुंह तोड़ जवाब दिया, पाकिस्तान को लेने के देने पड़ गए। आत्मनिर्भर भारत
देश के बढ़ते हुए सामर्थ्य का लक्ष्य है सरहद पर शांति। आज भारत की रणनीति साफ है, भारत की रणनीति स्पष्ट है। आज का भारत समझने और समझाने की नीति पर विश्वास करता है, समझने की भी और समझाने की भी। लेकिन अगर हमें आजमाने की कोशिश की, फिर तो जवाब भी उतना ही प्रचंड मिलेगा।